राजनगर पुलिस थाना अंतर्गत फर्जी फूड डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर मुंबई के एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा फिरियाद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मई को बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गणेश मेडिकल स्टोर में एक फोन आया, जिस दौरान आरोपी द्वारा कहा गया कि वो फूड डिपार्टमेंट से बात कर रहा है और उनके ऑफिस में फिरियाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनके मेडिकल स्टोर से जो बोनविटा लिया गया है वो खराब था और उसकी एक्सपायरी डेट भी चली गई थी। ये बात सुनकर फिरियादी को डर लगा। फोन पर फिरियादी को कहा गया कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद फिरियादी को फिर फोन आया, जिस दौरान उन्हें कहा गया कि मैं कंज्यूमर कोर्ट से बात कर रहा हूँ और तब भी फिरियादी को वही सारी बातें बताई गई जो पहले बताई गई थी, जिससे फिरियादी डर गया। तब आरोपी ने फर्जी शिकायतकर्ता महिला का नंबर फिरियादी को दिया। जब फिरियादी ने उस संबंध में महिला से बात की तब महिला ने कहा कि वो शिकायत पीछे नहीं लेगी। इस बीच आरोपी और फिरियादी के बीच कई बार फोन के जरिए बातचीत हुई, जिसके पश्चात आरोपी ने फिरियादी से पैसों की मांग की। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक 2021 को शशांक अग्रवाल करके गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक हैं। उनके दुकान में 2 बजे के करीब उनके लैंडलाइन फोन पे मोबाइल से फ़ोन आया और उन्होंने खुद का परिचय FDA से बात कर रहा हूँ ऐसे कहकर दिया और उन्हें बताया गया कि उनके दुकान से जो बोर्नविटा बेचा गया है उसमें बुरसी लगी हुई है और उन्होंने जो बोर्नविटा बेचा है वो एक्सपायर्ड डेट का है। इस वजह से सुलेखा पाटिल नाम के तकरारकर्ता ने FDA में और कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल उनके खिलाफ केस दाखिल किया है। उस केस के तहत उनका दुकान सील करने की और उन पर अरेस्ट कार्रवाई करने की प्रोसीजर की जाएगी और इस तरीके के 15-20 फ़ोन कॉल पर संभाषण मेडिकल स्टोर के मालिक से किया गया। घबरा कर और कार्रवाई से बचने के लिए मेडिकल स्टोर के मालिक ने जो भी कुछ दंड की रकम होगी वो मैं भर देता हूँ लेकिन कार्रवाई मत कीजिए ऐसा जब कहा तब उन्हें बैंक अकाउंट नंबर दिया गया जिसपे मालिक ने पैसा ट्रांसफ़र किया है और इस उसके बाद जब उन्होंने ये सब पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उसके बारे में जानकारी ली तब उन्हें पता चला कि FDA और कंज्यूमर कोर्ट की बतावनी करके उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है और ऐसी कोई केस उनके खिलाफ FDA में या फिर कंज्यूमर कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं थी और अज्ञात फसवणूक करने वाले लोगों ने मोबाइल जिसपे से उनको फोन आया था उन्होंने उनकी फसवणूक की है। यह पूरा मामला बताते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने बताया कि इस पूरे मामले की तार मुंबई से जुड़े होने की भी जानकारी है, जिसके चलते पुलिस द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज़ नागपुर।